बुक्स में कुछ शॉर्टकट लिखे होते हैं, करने हैं कर लो, नहीं करने कोई बात नहीं, सीधा न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तब भी हो जाएगा आंसर। कैसे? जैसे मान लो आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं 2C और C, और ये सीरीज में कनेक्टेड है विद V, तो चार्ज की वैल्यू दोनों कैपेसिटर पे क्या रहेगी? सेम। आपको क्वेश्चन आएगा, बताओ V1 V2 की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ V। अब मुझे पता है चार्ज सेम है, तो बोलो फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल टू 2C इंटू V1। सेकेंड कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा? C इंटू V2। पर चार्ज की वैल्यू दोनों पे एग्जैक्टली सेम है, तो इन्हें इक्वेट कर लो। इक्वेट करके V1 V2 की रेशियो कितनी आ गई? 1:2। अब ये स्टेप इतना करने की बजाय एक शॉर्टकट है। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है और इसकी कैपेसिटेंस की रेशियो 2:1 है, तो पोटेंशियल की रेशियो क्या हो जाएगी? 1:2। दिखा दिया मैंने ऐसे, क्योंकि चार्ज सेम रहेगा। अगर कैपेसिटेंस की रेशियो 2:1 है, तो पोटेंशियल की रेशियो 1:2 हो गई। अब क्वेश्चन हो गया, कैसे? पोटेंशियल की रेशियो पता है और वी को डिवाइड करना है, तो रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है। तो V1 की वैल्यू क्या आएगी? 1/1+2 इंटू V, और V2 की वैल्यू क्या आएगी? 2/1+2 इंटू V आंसर। तो यहाँ से V की वैल्यू आंसर आ जाएगी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे V1 V2 आएगा? अब भूल गए तो चार्ज सेम कर लेना, मैंने बताया हूँ, फिर लंबा हो जाएगा। अगर याद रह गया तो फिर सीधा कर दो। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर कैपेसिटर 2 की जगह 3 हो फिर क्या करें? अगर 3 हो या उससे पहले चलो न्यूमेरिकल कर लो, 3 और 4 3C 4C कैपेसिटेंस है, V1 V2 निकालना है, 10 वोल्ट है। तो ये स्टेप बहुत सिंपल है कि अगर कैपेसिटेंस की रेशियो 3 और 4 है तो V की रेशियो 4 और 3 है। तो V की रेशियो 4 और 3 है, तो यानी कि 4/7×10 और 3/7×10 रेशियो प्रोपोर्शन आती है ना, कैसे करनी है? तो V1 V2 की वैल्यू आ जाएगी। अब सेम चीज़ अगर मान लो 3 कैपेसिटर्स इकट्ठे सीरीज में हों, तो कई लोग गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, कैपेसिटेंस की रेशियो है 1:2:7, तो V की क्या रेशियो होगी? 7:2:1। गलत, यहाँ नहीं चलेगा, दो कैपेसिटर में चलेगा, 3 में नहीं चलेगा। देखो कैसे, फर्स्ट कैपेसिटर में चार्ज क्या है? Q = CV1, तो V1 क्या है? Q/C। सेकेंड कैपेसिटर में चार्ज क्या है? 2C×V2, तो V2 क्या है? Q/2C। थर्ड कैपेसिटर में चार्ज क्या है? 7C×V3, तो V3 क्या है? Q/7C। अब जब तुम इन्हें डिवाइड करोगे V1 V2 V3, तो रेशियो देखो क्या आ रही है, 1/1, 1/2 और 1/7। ध्यान से, 3 में नहीं चलेगा, 3 में तो यही कुछ करना पड़ेगा, 2 में चल जाएगा। 2 में C1 C2 की रेशियो उल्टी हो जाएगी V2 V1 में। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फ्लो में 3 में मत कर देना, 3 में तो एक्चुअल करना ही पड़ेगा आपको ये काम। कोई डाउट इसमें? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये शॉर्टकट गिवन है, पर मेरे को लगता है इसको बिल्कुल भी करने का फायदा नहीं, जो लिखा हुआ है मैं करवाऊंगा ही नहीं। मैं आपको एक सीधा शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे वो क्वेश्चन में आएगा कि ये 3 कैपेसिटर पैरेलल में है, तीनों की कैपेसिटी डिफरेंट है, पैरेलल में चार्ज डिफर करता है, चार्ज सेम नहीं होता, और आपको ये वी वोल्ट देगा, पूछेगा चार्ज की वैल्यू कितनी है। यार तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, क्या करना है रेशियो प्रोपोर्शन, पैरेलल में V की वैल्यू रिमेन सेम। तो अगर ये V है तो ये भी V है, तो ये भी V और ये भी V है, तो इसमें चार्ज क्या आएगा? Q1 क्या आएगा? C×V। इसमें क्या आएगा? 2C×V। इसमें क्या आएगा? 3C×V। आंसर आ गया। चार्ज निकालना बड़ा आसान है, V सेम कर दो और फिर Q CV लगा लो, तीनों के ऊपर आंसर आ गया। ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डन, क्लोज है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि आपको एक कैपेसिटर दे दिया, दूसरा कैपेसिटर दे दिया, तीसरा कैपेसिटर दे दिया, फिर एक बैटरी दे दी कुछ ऐसी, ये लो। तो इसमें सपोज करो ये 2 माइक्रोफेरेड है, 3 माइक्रोफेरेड है, 5 माइक्रोफेरेड है, 10 वोल्ट है। कहेगा चार्ज बताओ क्या रहेगा? भैया इस पे 10 वोल्ट है, तो चार्ज इज Q is CV। आंसर कितना आसान है, पैरल में क्या ही शॉर्टकट लगाओगे, और तो पहले V की वैल्यू वैसे दे रहे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसमें कोई शॉर्टकट चलेगा नहीं, इसमें ऐसे लगा देना आंसर आएगा, पहली शॉर्टकट है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये टेक्निक है